श्वेता नंदा बच्चन ने हाल ही में अपना एडवर्टाइजमेंट डेब्यू किया था अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कल्याण ज्वेलर्स के लिए ही अमिताभ और श्वेता दोनों ने एक एड की थी जिसमें बैंक एम्प्लॉइज को काफी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। इसी का विरोध करते हुए लगभग 3,20,000 से ज्यादा बैंक एम्प्लॉइज ने कल्याण ज्वेलर्स पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही, जिसके बाद कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याणारमन सामने आकर एक बयान देते हैं। रमेश कहते हैं कि हम इस एड को वापस ले रहे हैं। हालांकि ये एड सिर्फ एक पीस ऑफ फिक्शन था, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई हैं तो हम माफी चाहते हैं। हम उन सभी बैंक एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करते हैं जो दिन रात हमारे देश के लिए काम करते हैं। इस एड को सिर्फ क्रिएटिव बनाने की कोशिश की गई थी, इसमें किसी भी सत्य घटना का जिक्र नहीं था। ऐसा कहते हुए रमेश कल्याणारमन ने इस एड को वापस ले लिया और इसी के साथ श्वेता नंदा बच्चन का पहला डेब्यू विवादों में आते ही बैन कर दिया गया। फाइनल कट न्यूज डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।